नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हमें राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, ऐसा देखा जाता है जब हम स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के बाद हमारे पूरे शरीर में चींटी जैसा काटता है, एक खुजली सा होता है। तो अगर आप सब कुछ करके थक गए हैं, आपको नहीं आराम हो रहा है, आपका खुजली नहीं जा रहा है, तो आज हम इस वीडियो में चार ऐसे फार्मूले बताऊंगा जिससे कि आपकी खुजली बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और स्नान करने के बाद आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई खुजली नहीं होगा। क्योंकि हमें भी इस तरह से होता था और हमने जब से ये फार्मूला आजमाया है और हमें तब से होना बंद हो गया। नहीं तो होता किस तरह था, जैसे हम स्नान कर लेते हैं तो स्नान करने के जैसे स्नान करते हैं उसके बाद तुरंत बाद ही एक चींटी जैसा हमारे शरीर में पूरी तरह से काटना स्टार्ट हो जाता है। बहुत अजीब सा लगता है, जैसे चींटी काटना, ऐसा होता है कोई उसको खुजलाए। तो इसका हमने बहुत से वीडियो में बताया, लेकिन आज जो बताने वाला हूँ चार है, बिल्कुल सबसे अलग है, लेकिन लास्ट वाला जो बताने वाला हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, वो सबका बाप है फार्मूला, उससे तो जाना ही जाना है। तो वीडियो पर बन रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फिटनेस से रिलेटेड हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इससे किस तरह से हमें छुटकारा पाना है। पहला जो उपाय है, हमने तो बहुत से उपाय आपको बताए हैं, उस उपाय से हटकर है। जैसे कि हमने बताया था, जो भी बहुत से लोगों ठीक भी हुआ है और पिछले भी उपाय से, जैसे कि शरीर में हमारे मिट्टी है, हम अपने शरीर को घिस कर नहीं नहा रहे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो वो भी मैं आपको दोहरा रहा हूँ। जो चार है बिल्कुल नया है। तो जैसे कि देखा गया है कि हम स्नान कर लेते हैं, हमारे शरीर में मिट्टी चिपकी रहती है और हम उसको घिस कर नहीं स्नान करते, ये भी एक बड़ा बड़ा कारण देखने को मिला है। और हमने ये भी बताया, जैसे गंदे कपड़े पहन रहे हैं आप, उससे में धुलाई नहीं कर रहे हैं, वही दो दिन पहन रहे हैं, चार दिन से पहन रहे हैं, पांच दिन से पहन रहे हैं, तो आपके शरीर की मिट्टी कपड़े में लग जाती है, उसके कारण भी आपको खुजली होता है। तो मैंने तो इसमें बहुत से फार्मूले बताए, लेकिन जो चार बताने वाला हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो चलिए इस पर हम ही चर्चा कर लेते हैं। पहला जो कारण है, पहला उपाय जो है, ऐसा देखने को मिला है जैसे आपके शरीर में खुजली हो रहा है, अगर आप जो है सुबह पहले नहा लेते हैं, जैसे कि सुबह 5 बजे 6 बजे अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको खुजली एहसास नहीं होगा। आप इसे ट्राई जरूर करिएगा, आप बहुत सी खुजली हो रही है, हमने बहुत से लोगों को देखा है, हमने खुद ऐसा ट्राई किया है और लोगों से भी कराया है। तो ये भी देखने को मिला, जैसे सुबह धूप नहीं निकला है, धूप निकलने से पहले 5 बजे 6 बजे सुबह में आप स्नान कर लीजिए, उस समय आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपको शरीर में खुजली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी आप करके आजमा सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा जो कारण आती है, अगर आप किस तरह से खुजली हो रहा है तो ऐसा भी होता है, जैसे कि कुछ लोग साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाने से भी खुजली देखने को मिल रहा है। अगर आप साबुन लगाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, आप वैसे स्नान करिए, वैसे मतलब साबुन मत लगाइए, शैम्पू भी मत लगाइए, आप इसको ट्राई करके देखिए, साबुन शरीर में मत लगाइए, कोई भी साबुन मत लगाइए। उसके बाद जब आप स्नान कर रहे हैं ना, स्नान करते समय आप अपने हाथ को घिसना, पानी छोड़ करके सिर पर घिसना, ऐसे ऐसे घिसाई कर लेना शरीर में, तब देखना आपको मैल जो है निकलेगी, मैल, साबुन मत लगाना, मैल निकलेगी। पीठ पर भी आप नहीं पहुंच पा रहा है हाथ, तो आप दूसरे से भी उसको घिसवाइए, जब घिसवाएंगे तो आपको एहसास होगा, दिखेगा कि मैल जो है छूटेगी, ये मैल है मेन कारण, इससे जो छुटकारा आप पाएंगे। तो साबुन नहीं लगाना है, आप जब साबुन लगा लेते हैं वो जो मैल होती है वो नहीं निकल पाती, उसे निकलने में नहीं समझ में आता निकल रहा है, वो साबुन के साथ में चिपक जाता है कि कैसा है, कुछ ऐसा इसमें देखने को मिला है। हमने ये भी ट्राई करवाया है बहुत से लोगों को, तो इससे भी लाभ हुआ है। आप ये दूसरा फार्मूला भी आजमा सकते हैं, जो साबुन मत लगाइए, पानी से ही स्नान करिए, उसके बाद उसको घिसिए। तो जब आप घिसेंगे तो पूरे शरीर को घिस डालिए, पीठ से लेकर के, अधिकतर खुजली कहाँ होती है, पीठ है, पूरा पीठ है, पैर के नीचे नहीं होगा, पैर पैर में वहां नहीं दिखाई देगी खुजली। जो भी खुजली होता है आपके शरीर पर होता है, पेट से लेकर के पीठ तक की, तो जहां तक आपको खुजली होती है तो आप पानी डालकर वहां वहां घिसाई कर दीजिए, बढ़िया से घिस दीजिए, लेकिन साबुन नहीं लगाना है। हो सकता है कि साबुन सही से अपने शरीर की गंदगी को नहीं साफ कर पाता होगा, तो साबुन मत लगाना, वैसे ही आप इसको करके
ट्राई करिए। तीसरा जो फार्मूला है ये भी आप आजमा कर देखना। तीसरा ऐसा भी देखा गया है जैसे कि उससे आपके बालों को भी नुकसान जाता है, साथ साथ खुजली तो बढ़ेगी। जैसे कि आपके पास पंपू सेट है, नल है, उस नल में बालू बहुत आ रहा है, बहुत से बालू आ रहे हैं, तो उस बालू के साथ में हम स्नान कर रहे हैं। हम जब स्नान करते हैं तो बालू उसमें अंदर ही होता है ना, उस पानी के, तो हम जैसे ही स्नान करते हैं तो वही बालू हमारे सिर के अंदर भी जाता है, मिट्टी जम जाती है, उससे भी बाल टूटते हैं, और वही बालू हमारे शरीर पर जाता है, तो जो हमारे शरीर में चिपक जाता है। तो खास ध्यान रखना है, अगर आपके जो भी नल है बालू देने वाला, अगर वहां पर जो है ऐसा समस्या दिख रहा है कि आपके नल में बालू दिख रहा है, तो उसे सावधानी से स्नान करिए, पानी भर लीजिए, बालू जो है अस्थिर हो जाए तब स्नान करें। अन्यथा क्या होगा कि इससे भी समस्या लोगों को देखने को मिल रही है कि जैसे पानी भर लेते हैं, भरने के बाद तुरंत स्नान करने लगते हैं। जब तुरंत स्नान करने लगते हैं तो होता क्या है, जो बालू होती है आपके शरीर में चिपक जाती है। उसके बाद क्या है कि आप स्नान करने के बाद कपड़े से घिसे, घिसने के बाद वो दबाव पाती है और चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो एक जो है आपको दूसरे दिन जब स्नान करते हैं तो वो पूरी तरह से चिपकी पड़ी रहती है। आपने उसको घिसाई, पानी को पोछने के लिए कपड़े से इस्तेमाल किया, वो पानी के जब पोछने के इस्तेमाल करते हैं कपड़े के साथ, तो मिट्टी चिपक जाती है। फिर जब स्नान किए तो फिर दोबारा वही बालू का पानी आया, फिर दूसरी लेयर पर आ जाता है। फिर जब आप स्नान करके जाते हैं तो मिट्टी शरीर में चिपकी रहती है, जब चिपकी रहती है तो वही आपको खुजलाहट देखने को मिलती है। और ये खास तौर पर अधिकतर आपको कब देखने को मिलेगा, ये अधिकतर बारिश के सीजन में देखने को मिलता है। ज्यादातर आपको किस सीजन में देखने को मिलता है, बारिश में मिलता है या हमेशा मिलता है, तो ये फार्मूला आप आजमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला फार्मूला। देखिए अगर आपको ऐसा समस्या दिक्कत हो रहा है तो आप इस लास्ट वाले फार्मूले को आजमा सकते हैं। अपने जो है जीवन को, जीवन इससे जो आप एक ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन लगभग आप एक महीना करके देखिए। एक महीने अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जैसे कि हो जाए कि इससे हमसे कोई फायदा नहीं हुआ, जितने हमने बता दिए उससे कोई फायदा नहीं हुआ, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य क्या वो भी बता देता हूँ। देखिए अपने वीर को, अपने वीर यानी शुक्राणु को आप एक महीने तक कंटिन्यू रोक कर रखिए, ब्रह्मचर्य को नष्ट ना करें। एक महीने तक आप रोक लीजिए। उससे रोकने का तरीका यही भाई, आपको बिल्कुल सही से रहना है, उल्टी सीधी पिक्चरें नहीं देखना है, ऐसे मतलब हर चीजें से दूर रखना है, बिल्कुल मन शांत रखना है। अगर इस एक महीना रोक लेते हैं तो आपकी जितनी भी बीमारियां हैं सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपको किसी भी प्रकार कोई बीमारी नहीं होगा। एक महीना रोकने बाद आपके जितनी भी समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। हो सकता है ऐसे मिनरल्स और विटामिन की कमियां हो आपके अंदर जिसके कारण इस तरह से आपको खुजली हो रही है, तो आप एक महीने ब्रह्मचर्य का पालन करिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आप खुद सोचेंगे कि हाँ इससे हमें कितना बेनिफिट हुआ है। अगर ये सब करने के बावजूद आपको कोई आराम नहीं हो रहा है तो लास्ट वाला फार्मूला आजमाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर आप देखिए कि आपको इससे पूरी तरह से छुटकारा पा जाएंगे। और देखने को मिलता है कि काफी लोग बहुत से फार्मूला आजमा लेते हैं लेकिन उन्हें बेनिफिट नहीं होता, तो देखिए ये भी कारण होगा। जैसे कि ब्रह्मचर्य तो सबसे लास्ट फार्मूला है, सबसे तगड़ा फार्मूला है, आप आजमा कर देखिए। और भी ध्यान रखना, जैसे आप बहुत ज्यादा नशा कर रहे हैं, गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट दारू गांजा चरस अफीम, मतलब बहुत ज्यादा नशा कर रहे हैं, ऐसे में भी समस्या दिक्कत हो सकती है, तो आप अपने नशा को भी छोड़ने का कोशिश करिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो भी एक कारण बन सकता है। जिसके बहुत से मतलब बहुत से कारण है, ऐसा नहीं हमारे शरीर में जैसे खुजली हो रही है स्नान करने के बाद, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे कि होता है कि देखने को मिलता है कि जैसे हम स्नान करते हैं हमारे शरीर में खुजली हो रहा है, तो बहुत से कारण जैसे कि मिनरल्स विटामिन कमियां भी हो सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर में कमी हो जाती है जिसके कारण ऐसा हो सकता है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जो भी हार्मोन्स में गड़बड़ी होगी, जो भी दिक्कत समस्या होगा, वो पूरी तरह से मेंटेन हो जाए, पूरी तरह से मजबूती हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ये आप जरूर करिए और नशा से दूर रहिए, बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए।
तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।